हम अभी जा रहे हैं द्रोणेश्वर टेम्पल जो बसा है गुजरात गिर सोमनाथ गिर गिडरा के इटवाया तालुके में। आप यहां सासन गिर से भी आ सकते हैं, वेरावल सोमनाथ से भी आ सकते हैं, और अगर आपको आना है भावनगर से तो आप वाया ऊना होके भी यहां पे आ सकते हैं। द्रोणेश्वर मंदिर एक पौराणिक महादेव जी का टेम्पल है। यह मंदिर 5800 साल पुराना है और इस मंदिर की स्थापना पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य ने की थी। पांडवों की तलाश में वो यहाँ तक आए थे। मच्छुंद्री नदी के तट पे बसी ये भूमि उनको बहुत ही भा गई और उन्होंने यहाँ पे ही शिवलिंग की स्थापना की। शिवलिंग की पूजा अर्चना करने के बाद उनका जल अभिषेक करने के लिए उन्होंने अपने तपोबल से गंगा जी को यहाँ पे उत्पन्न किया। तब से लेकर आज तक गंगा जी जल के स्वरूप में शिवलिंग के ऊपर गिरती ही रहती है, इसीलिए इस मंदिर को द्रोणेश्वर के नाम से जाना जाता है। सावन मास में यहाँ पे भक्तों की भीड़ बढ़ जाती है। माना जाता है कि सावन मास में खुद महादेव यहाँ पे आके वास करते हैं और भक्तों की इच्छा को पूर्ण करते हैं। द्रोणेश्वर टेम्पल के बिल्कुल पास में ही है ये मच्छुंद्री नदी के तट पे बसा हुआ द्रोणेश्वर डैम। यहाँ पे अगर आप मॉनसून के मौसम में आते हो यानी कि जुलाई से लेकर सितंबर तक आते हो तो आपको कुछ मिलेगा इस तरह का नज़ारा। डैम के ऊपर से गिरता हुआ पानी और नीचे नहाने की मजा ही कुछ और है। यह स्थल ऊना से 20 किलोमीटर की दूरी पे, गोड़ीनर से 36 किलोमीटर की दूरी पे, और अगर आप आना चाहते हैं सासन गिर से तो इसके लिए आपको दूरी तय करनी पड़ेगी 60 किलोमीटर की, जो कि आपको वाया जामवाला होके आना पड़ेगा। जामवाला में भी एक बेहतरीन जगह है जिसे जमजीर वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। आपने अभी तक मेरी जमजीर वाटरफॉल की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपको इसकी लिंक दिखाई दे रही होगी, आप वहाँ पर जाके भी उसको देख सकते हैं। द्रोणेश्वर डैम के बिल्कुल पास में ही है मारुति धाम ट्रस्ट बंजन देव हनुमान जी का मंदिर। इस मंदिर में जो प्रतिमा रखी हुई है वो बिल्कुल हूबहू सारंगपुर कष्ट भंजन देव जैसी ही बनाई गई है। आप अगर यहाँ पे दर्शन करते हैं तो आपको ऐसा ही महसूस होगा जैसे आप सारंगपुर जी के दर्शन कर रहे हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को पुश कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मंदिर में यह है खूबसूरत गार्डन, आप अपने बच्चों के साथ यहाँ पे टाइम गुजार सकते हैं। और गार्डन में ही इन्हीं की ट्रस्ट की है कैंटीन, जिनका नाश्ता भी बहुत ही लजीज और स्वादिष्ट होता है।